Students, today I will explain a new chapter, chapter number 10, main verbs and helping verbs. Okay, what is the name of chapter? Main verbs and helping verbs. So you have already known about what is helping verb and what is main verb. शायद हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं होगी. आप लिखते हो, सेंटेंस में यूज भी करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब्स यू नो ऑलरेडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट है मेन वर्ब एंड सेकंड है हेल्पिंग वर्ब्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. मेन वर्ब्स हैव the main responsibility of creating meaning for sentences. Repeat, main verbs have the main responsibility of creating meaning for sentences. So main verbs kya karta hai, uski responsibility kya karta hai, kya hai? So it's create a meaning for sentences. मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. वर्ब्स के बिना जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं रहता. एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहां लिखा है आई डांस, तो मैं डांस करती हूं, मुझे वो कहना है, तो डांस वर्ब नहीं होगा. हाउ कैन आई एक्सप्लेन, तो वर्ब तो होना ही चाहिए. सेकेंड लिखा है ही रीड्स, वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना जो क्रिया है, जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये रीड वर्ब्स हमने यूज किया है. अगर ये वर्ब नहीं होता तो सेंटेंस बन पाता नहीं. तो जो वर्ब्स है वो मेन रोल है सेंटेंस बनाने के लिए. दे कुक, कुक मतलब पता है आपको, खाना बनाना. तो यहां पर डांस, रीड्स एंड कुक, दे आर मेन वर्ब्स. ऐसे तो कई सारे मेन वर्ब्स है. मैं ऑलरेडी आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट नाम में सीख चुके हो, और आपको पता है कि नहीं, जैसे कि लाफ, क्राई, सीट, स्टैंड, लुक, लीव, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, स्पीक, देयर सो मैनी वर्ब्स आर देयर. अगर आपने रीड किए होंगे, अगर आपने लिखे होंगे, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा के बहुत सारे वर्ब्स हैं. और अगर आपको रियल में नहीं पता, लर्न नहीं किए है, तो घर पे प्रैक्टिस करो. यू हैव टू लर्न. ओके, नेक्स्ट देखो हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेंटेंसेस. दे हेल्प द मेन वर्ब्स. अब इसका नाम सुनो, क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्प, H-E-L-P, हेल्प. हेल्प का मतलब आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्प? किसी की हेल्प करते हो आप, मदद करते हो. क्लास में किसी की पेंसिल नहीं है किसी के पास, आप उसे दोगे, हेल्प करेंगे. इरेजर नहीं है, शार्पनर नहीं है, तो आप देंगे कि नहीं? तो ऐसे छोटी छोटी हेल्प करते हो आप. घर में भी मम्मी की काम करने में हेल्प करते होंगे, पापा के हाथ बटाते होंगे. सो हेल्प मतलब मदद करना. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है ना, उसका काम भी वही है, वो भी हेल्प करता है. किसकी करता है? तो वो मेन वर्ब्स की हेल्प करता है. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेंटेंसेस. दे हेल्प द मेन वर्ब्स. देखो यहाँ पर लिखा है ना, दे हेल्प द मेन वर्ब्स. वो मेन वर्ब्स को हेल्प करता है. कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब्स करता है. एग्जाम्पल देखो, आई एम डांसिंग, ही इज रीडिंग, दे आर कुकिंग. ये एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल मैं आपको बाद में समझाती हूँ. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल, सी हियर, यहां पर मैंने लिखे वर्ब्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने आपको आगे दी बताया. सबसे पहला है मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स में क्या आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. एग्जाम्पल
एग्जांपल में मैंने यहां लिखा है लाफ जंप सीट ईट प्ले रीड स्पीक ओके तो मैंने आपको बताया तो ये जो है वो सारे मेन वर्ब्स हैं अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन-कौन से हैं तो इज जो आप कई बार लिख चुके हो अपनी नोटबुक में एम वो भी आपने कई बार लिखा हुआ है आर वाज वेयर ये सारे वर्ड्स आपने आपकी नोटबुक में कई बार लिखे हैं उसे सेंटेंस भी बनाए हुए लेकिन आपको पता नहीं कि इसे क्या कहते हैं तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स कौन-कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इज एम आर वाज एंड वेयर उससे भी ज्यादा है लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड में आपको यहां तक ये पढ़ना है सो मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब्स अब देखो एग्जांपल यहां पर देखो मैंने लिखा है आई एम डांसिंग मतलब मैं डांस कर रही हूं तो यहां मेन वर्ब है उसके आगे मैंने क्या लिया हेल्पिंग वर्ब सेकंड एग्जांपल देखो ही इज रीडिंग तो रीडिंग जो वर्ब है मेन वर्ब उसके आगे मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया इज दे आर कुकिंग तो कुक जो मेन वर्ब है उसके आगे मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया तो मैंने आर हेल्पिंग वर्ब लिया तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वी कैन यूज बिफोर द मेन वर्ब के आगे उसका यूज करते हैं और जो मेन वर्ब है उसके पीछे हम आईएनजी ऐड करते हैं नाउ लेट्स सी अहेड Next. See here, a main verb tells us about an action. Main verb तो हमें action दिखाता है. लेकिन यहाँ पर देखो, a helping verb let us know the time of that action. और जो helping verb है वो हमें क्या बताता है? Time दिखाता है. Time मतलब 1, 2, 3 नहीं. मतलब प्रेजेंट और पास्ट टाइम दिखाता है द प्रेजेंट और द पास्ट वाज एंड वेयर इज इंडिकेट पास्ट टाइम इज एम आर इंडिकेट द प्रेजेंट टाइम अगर इज एम आर यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं वाज एंड वेयर हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन पास्ट टाइम यहां पर देखो आगे अ सेंटेंस मे बी मीनिंगलेस without the helping verb a sentence may be meaningless without the helping verb helping verbs के बिना जो sentence है वो meaningless है तो कैसे example में देखो I painting a picture यहां पे मैंने wrong mark किया है दिखाई देता है क्यों क्योंकि आई के बाद यहां पर क्या है डायरेक्ट पेंटिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया है और लिख दिया है तो ये रॉन्ग है ऐसे नहीं लिखते हम राइट सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है देखो आई एम पेंटिंग अ पिक्चर सो इट इज अ राइट सेंटेंस ये सेंटेंस राइट है क्योंकि मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करते हैं और पीछे क्या लगाते हैं हम आई एन जी एड करते हैं आई एम पेंटिंग अ पिक्चर ही इज पेंटिंग अ पिक्चर सी इज पेंटिंग अ पिक्चर वी आर पेंटिंग अ पिक्चर यू आर पेंटिंग अ पिक्चर सो अलग अलग नाउन्स और प्रोनाउन्स के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे कई एग्जांपल भी हम दे सकते हैं घर में भी आप बैठे बैठे ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ओके जैसे कि रीड तो दे आर रीडिंग अ बुक सी इज रीडिंग अ बुक ही इज रीडिंग अ बुक वी आर रीडिंग बुक्स कह सकते हो कि नहीं यू आर रीडिंग अ बुक तो ये मैंने रीड वर्ब लिया आप ऐसे अलग अलग वर्ब ले सकते हो सी तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग He is singing a song. Ram is singing a song. Sneha is singing a song. They are singing a song. ऐसे अलग अलग
नाउन्स एंड प्रोनाउन्स यूज करके, अलग अलग वर्ब्स यूज करके, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करके यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, घर में आप बैठे बैठे भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हो. ओके, इफ यू वॉन्ट टू मेक, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है. ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना सीख पाएंगे. आगे देखो, वेन वी यूज इज एम आर वॉज वेर बिफोर अ मेन वर्ब वी एड आईएनजी टू द मेन वर्ब. ये बात खास ध्यान में रखना. रिपीट, वेन वी यूज इज एम आर वॉज वेर बिफोर अ मेन वर्ब वी एड आईएनजी टू द मीनिंग टू द मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब के पीछे हम आईएनजी ऐड करते हैं. कब? जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. इज एम आर वॉज एम वर्ब. एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो यहां पर, आई एम क्लीनिंग द रूम. आई एम क्लीनिंग द रूम, तो मेन वर्ब क्या है हमारा? क्लीन. क्लीन के साथ मैंने क्या ऐड किया? आईएनजी, तो क्या बन गया? क्लीनिंग. सो आई एम क्लीनिंग द रूम. आई एम सिटिंग इन द रूम. सी इज वॉचिंग टीवी. My mother is cooking food. My father is going to office. We are going to school. You are writing a letter. So you can use more and more verbs and make sentences. Okay? So main thing kya hai? Jab bhi hum helping verb use karte hai. मेन बॉक्स के आगे, तो मेन बॉक्स के पीछे आपको आईएनजी ऐड करना है. और सेकेंड थिंग जो आपने सीखी यहां पर क्या है? विदाउट हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस है. हेल्पिंग वर्ब्स के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट बनता है. आई पेंटिंग नहीं आता कभी, आई एम पेंट नहीं आता है. ओके, सो ये बात भी आपको खास ध्यान में रखनी है. आगे आपने देखा क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स लेट अस नो द टाइम पीरियड. तो जब प्रेजेंट टेंस हो तो हमें इज एम आर यूज करना है, और पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो आपको वॉज एंड वर यूज करना है. और ये सारी बातें खास ध्यान में रखना है. सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग.